ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। हम भगवत शरणागत, भगवत शरणागत जो होता है किसी भी अवस्था में विचलित तो होता नहीं है। शुभ समागम में उसका आनंद नहीं होता है, अशुभ समागम में कभी दुखी नहीं होता है। सम्मान से वो हर्षित नहीं होता है, अपमान से वो मुरझा नहीं जाता है। आप कहेंगे भाई तो भगवान बुद्धि देते सबको क्यों नहीं देते, सभी तो उनका ही सत्ता है। ममैव अंश जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरे अंश जीव है तो सभी तो तुम्हारे अंश हो, तुम बुद्धि क्यों नहीं देते हो? तुम छट छट के किसी को बुद्धि देते हो और किसी को बुद्धि देते नहीं हो, इसका माने तुम्हारे पक्ष बात है। और ये तो होनी नहीं चाहिए क्योंकि तुम भगवान हो, तुम सबके लिए समान हो। समोहम सर्वभूति न प्रियो, मेरा कोई देश नहीं प्रियो नहीं, मैं सब में समान हूं। तो ये पक्षवाद हम कहेंगे, बोलते नहीं, गलत मत समझो, अपने बुद्धि थोप मत। ये जीव अपना बुद्धि थोप करके ही वंचित हो जाता है। जब तक जीव अपना बुद्धिमत्ता को थोपता है, जो हम ज्यादा जानते हैं, हम ठीक जानते हैं, तब तक मान लो वो वंचित रहेगा। यहां बुद्धि हटाओ, शरणागत हो जाओ। भगवान कहते हैं देखो हम बुद्धि कैसे देंगे, हम तो चाहते हैं तुमको बुद्धि देंगे, लेकिन वहां हमारे लिए कोई स्थान है ही नहीं। तुम अपने को बुद्धिमान मान चुके हो, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो, तो भगवान कहते हैं तुम जब अपने को बुद्धिमान मानते हो तो भाई ठीक है, अच्छा है। जिस दिन देखोगे तुम्हारे बुद्धिमत्ता के द्वारा कुछ होने वाला है नहीं, कोई मंगल होता नहीं है, तुम दुखी हो रहे हो, उस दिन तुम हमारे शरण में आना, हमारे चिंतन करना, हमको अपनाना, तब जाके हम तुमको बुद्धि देंगे। तुम चाहते ही नहीं हो प्रभु हमको बुद्धि दो, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो। क्या रो रो करके कभी तुमने प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु हमारे बुद्धि है नहीं, तुम हमको बुद्धि दो, जिस बुद्धि के द्वारा हम तुम्हारे चरण कमल आश्रय करके संसार चक्र से मुक्त हो जाए, ऐसे बुद्धि दो, बुद्धि दो, हमारे बुद्धि ठीक नहीं। कहते हो कभी कहा है, कभी दो बूंद आंसू बहाया है? तुम तो बुद्धिमत्ता लेकर के, हम तो खूब जानते हैं, हम शास्त्र जानते हैं, हम भजन करते हैं। भगवान कहते हैं ठीक है, तुम अपने को बुद्धिमान मानते हो तो ठीक है, चलते रहो अपने बुद्धिमत्ता के द्वारा। जिस दिन देखोगे तुम्हारी बुद्धिमत्ता से कोई काम होता नहीं है, उस दिन हमारे शरण में आना, उस दिन हम तुमको बुद्धि देंगे। ये बात है, बोलो। सांसारिक विषय में क्रियान्वित ना रहने से तो बुद्धि का प्रयोग तो करना ही होगा उसमें, तो वही देखो, जो भगवत शरणागत है वो सांसारिक क्रिया सब करते हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर भरोसा करके जो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा हुआ तो कोई आनंद नहीं, प्रभु का काम कर रहे हैं, हम नौकर हैं, नहीं हुआ प्रभु की इच्छा नहीं, उसमें उसका कोई कष्ट नहीं। संसार में कोई वस्तु नुकसान हो गया उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रभु की इच्छा, हम तो नौकर हैं। जैसे मान लीजिए करोड़पति घर में एक नौकर रहता है, वो सब काम सुचारू रूप में वो निर्वाह करता है सब कर्म, प्रभु से भी ज्यादा, मालिक से भी ज्यादा उनके दर्द है। कोई मालिक का कोई प्रियजन आ जाता है तो भगदड़ मच जाता है, कहाँ बैठे हैं, क्या खिलाएं, क्या करें, कहीं उनके कोई कष्ट ना हो, आइए आइए बैठिए बैठिए। क्यों? वो जानते हैं हम ठीक से कर्म नहीं करेंगे, हम इनका आदर नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चला जाएगा, खातिर करते हैं ना। लेकिन वो खातिर करते इसलिए कि हम प्रभु का काम कर रहे हैं। मालिक का करोड़ रुपया आमदनी हो गया तो वो नौकर का कोई आनंद नहीं, मालिक का करोड़ रुपया नष्ट हो गया उनका कोई कष्ट नहीं, हम तो नौकर हैं, लेना ना देना, हमको तो पैसा चाहिए, हम घर जाएंगे। संसार में इस तरह से रहना है तुमको, वो बुद्धि प्रयोग करोगे लेकिन वो निजी बुद्धि नहीं, तुम प्रभु का भरोसा लेकर के, प्रभु के ऊपर वो बुद्धि समर्पण करके, जो कर रहे हैं प्रभु करा रहे हैं, ऐसे भावना लेके करोगे तो कोई चिंता नहीं। इसका लक्षण है हम प्रभु के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, उसका लक्षण क्या है? तुम कहोगे नहीं हम भजन करते हैं, हम तो प्रभु के ऊपर समर्पित हैं। भाई तुम कहने से क्या होगा, हम संसार करते सब करते हैं, प्रभु की इच्छा है। बोले ऐसा नहीं, कसौटी में कसा जाएगा,
आने से हर्ष न जाने से विषाद, हर्ष अमर्ष भय बिगर मुक्त जसा में प्रियो, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त वो मेरे प्रिय है। उद्वेग होता ही नहीं, क्यों? ये प्रभु का काम है, प्रभु की इच्छा नहीं। कोई वस्तु नष्ट हो गया, घर में आग लग गया, क्या क्या हमारा क्या गया? प्रभु की इच्छा। बहुत वस्तु समागम हो गया, धान दौलत स्त्री पुत्र परिवार सुख समृद्धि मान पूजा प्रतिष्ठा आ गया, किंचित मात्र हर्ष नहीं। वो जानती है प्रभु का नाटक है, खेल है, हमको लेना ना देना, मगन रहना। अगर ऐसे निष्प्रिय निर्लिप्त होकर के तुम रहते हो, अपने अंतर को पूछो, यहां हाथ लगाओ, देखो वास्तव में सत्य है। हमारे तो थोड़ा सा कोई वस्तु नष्ट हो जाता है, चित्त विक्षेप हो जाता है, हाय 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 क्या होगा क्या होगा, तब जानना ये बेकार बात है तुम्हारा, तुम समर्पित तो नहीं हो। समर्पित तो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गया ठीक है प्रभु की इच्छा। जैसे श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, महाप्रभु कीर्तन के लिए आए हैं, प्रतिदिन श्रीवास आंगन में महाप्रभु सपार्षद अपने मंडली लेकर आते हैं, सारी रात वहां कीर्तन करते हैं, कीर्तन में सब भाव विभावित तो हो करके उस सुखम पपुला छेद वैवर्ण आदि अष्ट भाव में विभावित तो हो जाते हैं। महाप्रभु होते हैं तत्सहित समस्त भक्त वृंद भी आनंद मुखर हो जाते हैं। सुबह सुबह श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया, रोना पीटना शुरू किया, भाई छोटा सा पुत्र है, माता पिता का कितना कष्ट होता है। श्रीवास पंडित का कोई कष्ट नहीं, क्यों? वो जानते हैं मेरा नहीं। घर में रोना पीटना शुरू हो गया, देखो रो, बढ़िया है खूब रो, मुंह में कपड़ा भर करके रो, दर्जा बंद करके रो, महाप्रभु कीर्तन करने के लिए आएंगे। अगर उनके कीर्तन में विघ्न आ गया, भंग हो गया, कीर्तन छोड़ के चले गए, तो ये समझना मैं आज गंगा में कलशा बांध करके मैं गंगा में डूब करके मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मैं ये सत्य कह देता हूं। तुम लोग रोना है खूब रो, डर के मारे, अब रोना तो है कहां रुकने वाला है। वो भीतर में दरवाजा बंद करके बच्चा को रख करके मुंह में कपड़ा दे करके बड़े कष्ट से वहां जितने स्त्रियां हैं माँ है सब रो रहे हैं, महाप्रभु है कीर्तन करने के लिए, कीर्तन शुरू किए हैं। महाप्रभु बोलते हैं भाई हमारे कीर्तन में आज आनंद नहीं आ रहा है, क्या बात है? अच्छा चलो आज हम कुछ हमारे हमसे कुछ गलती हो गया, कोई अपराध हो गया, जिस कारण हमारा मन आज भगवत कीर्तन में हमारे उल्लास नहीं हो रहा, कोई कारण हो गया, कारण शायद कोई अपराध हो गया। अच्छा कीर्तन करो, हरिनाम कर रहे हैं, अरे रुको भाई रुको, क्या बात है, हमारे आज मन नहीं लग रहा कीर्तन में, कोई आनंद नहीं, क्या बात है भाई, तुम लोग बताओ ना भाई हमसे क्या गलती हो गया। ना ना प्रभु ऐसे गलती तो कुछ है नहीं। अच्छा चलो फिर करो, फिर कीर्तन कर रहे हैं, रुको भाई, बात तो कुछ है, महाप्रभु तो भगवान है, वो तो जानते हैं सब अंतर्यामी है, क्या बात है बताओ। अच्छा ये बताओ श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल तो नहीं हुआ है? और श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ कूद कूद के नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन आनंद में निमग्न हो रहे हैं, श्रीवास पंडित के घर में तो कोई अमंगल तो हुआ नहीं, ये सही सही बताओ भाई, कोई छुपाना नहीं। मेरा मन कहता है श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल हो गया है, आप ये सत्य तो कहना पड़ेगा। श्रीवास पंडित कहते नहीं प्रभु, आप जहां रहते हैं वहां कोई अमंगल थोड़ी हो सकता है, आप जहां पूर्ण ब्रह्म सनातन हैं, आप जहां मंगलमय मंगल स्वरूप भुवन मंगल आप जहां विराजमान है, क्या वहां कोई अमंगल हो सकता है, क्या आप ये कहते हैं? देखो श्रीवास चालाकी मत करो, कुछ हुआ है सही बताओ। तो श्रीवास पंडित क्या कहेंगे? अगल बगल के जो है कहते हैं हाँ प्रभु, उनके आज एक बच्चा आज ही मर गया है, अभी रखा दाह संस्कार भी कुछ हुआ नहीं है, हम तो जानते हैं कोई अमंगल हो गया। इसको कहते हैं तुम्हारा
समर्पण, ऐसे मुंह से बोलने से होगा नहीं। हम भगवत शरणागत, भगवत शरणागत जो होता है किसी भी अवस्था में विचलित तो होता नहीं है। शुभ समागम में उसका आनंद नहीं होता है, अशुभ समागम में कभी दुखी नहीं होता है। सम्मान से वो हर्षित नहीं होता है, अपमान से वो मुरझा नहीं जाता है। सम दुख सम सुख दुख समस्त समलुष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र निपक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शौचति। ऐसा होता है, मुंह में बोलने से होगा नहीं। हम शरणागत हैं, शरणागत का लक्षण क्या है? ये लक्षण के द्वारा पहचान होगा कि तुम वास्तव में तुम उनके शरणागत हो। क्या तुम्हारे बुद्धि को तुम कर्ता मान करके तुम कर्म कर रहे हो, ना भगवत चरण में समर्पित होकर कर्म कर रहे हो, इसका प्रमाण तुम दे सकते हो। अगर कोई विक्षेप नहीं होता है तो मानना ठीक है, कोई विक्षेप आ गया तो समझना ये तुम्हारा कुत्सित अहंकार भी है। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, कल्याण क्यों हुआ, ऐसा अन्याय क्यों हुआ, क्यों हुआ भगवत इच्छा, तुम समर्पित नहीं हो इसलिए तुम विक्षेप हो रहा है।